प्रीव्यू। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। संस्कृति को ऊपर लेकर जाएं, पर कैसे जाएं? आज हम बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम जवाब क्या दें। आज हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि कट्टरपंथी हैं। मैं टीवी डिबेट देख रहा हूं तो लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप में और जिहादियों में क्या अंतर रह जाएगा। अरे मेरे भाई, वही अंतर है जो एक आतंकी में और एक सेना के कर्मचारी में, एक सेना के सैनिक में अंतर है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अगले माह हिंदू नववर्ष आने वाला है, जिसको हिंदू महासभा बड़ी भव्यता के साथ मनाने जा रहा है, और जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे प्रदेश में, देश में, उनको एक संदेश देना चाहती है हिंदू महासभा कि हमारा नववर्ष जो है 31 दिसंबर 1 जनवरी नहीं, बल्कि हमारा हिंदू नववर्ष जो है नवरात्र के प्रथम दिन प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज का समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे बनारस से काफ़ी लोग आए, हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष उपस्थित हुए, कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी उस बैठक में भाग लिए। सर, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि हम सनातनी हैं और मुझे ये दिखाना है, लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है कि जो हिंदू हैं उनका नववर्ष कब शुरू होता है। जैसे कि लोग अभी तक नववर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मनाते हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है। हमारा नववर्ष प्रतिपदा जो है वो प्रथम नवरात्र से शुरू होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज बैठक हुई है। इसी के साथ जितने भी लोग कार्यकर्ता हमारे उपस्थित हुए हैं उनको ये भी संदेश दिया गया है कि पार्टी को मजबूत करें, संगठन में तेजी से नियुक्तियाँ करते हुए, संगठन में लोगों को जोड़ते हुए पार्टी में, और सशक्तिकरण दें। और इसी के साथ जो है हम लोग बड़े जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबसे आह्वान किया गया है पदाधिकारियों से भी कि सभी लोग शंखनाद के साथ नववर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और वार्ड अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आए। सभी लोगों को ये सूचना दी गई कि हम लोग अंग्रेजों की संतान नहीं, हम लोग हिंदुस्तानियों की संतान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और ऐसे हिंदुस्तानी होने का गर्व मुझे प्राप्त है, तो हम क्यों ना अपने हिंदू नववर्ष को मनाएं, क्योंकि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सुबह 5:40 पे नववर्ष का मेरा आगाज होगा, जब सूर्य की किरण पहली पृथ्वी पर पड़ेगी तब हमारा नववर्ष का जो है शुभारंभ होगा। उस नववर्ष को मनाने के लिए हम लोगों ने पूरे अपने जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने वार्ड में जाकर के नववर्ष को मनाने के लिए जनता को जागृत करें, क्योंकि पिछले हजारों सालों से मुगल शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने जो है हमारे हिंदू धर्म को दबाने का काम किया है, लेकिन अब हम लोग फिर से हिंदुओं को जगाने का काम करें। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।